कोरोना आपदा के मद्देनजर अन्नपूर्णा योजना के तहत पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने डबल राशन दिया जाता है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन का उपभोक्ताओं को निर्धारित पैसा देना पड़ता है और केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले राशन का उपभोक्ताओं को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन बल्लभगढ़ में डिपो चलाने वाले डिपो होल्डर लोगों को सिंगल राशन देकर न केवल गरीब जनता के राशन को डकार रहा है, बल्कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा है। ताज़ा मामला बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी में डिपो चलाने वाले डिपो होल्डर राम सिंह का है, जिस पर स्थानीय लोगों ने न केवल सिंगल राशन देने बल्कि कई बार तो महीने बाद राशन न देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, किस डिपो पर आते हो अनाज लेने? राम डिपो पर। गेहूँ ठीक समय पे मिलता है? पूरा मिलता है? पूरा समय में मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता? पूरा मिलता है गेहूँ? नहीं मिलता। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर। कितना मिलता है फिर 5 मेंबरों का? 40 किलो। 40 किलो मिलता है 5 मेंबरों का? क्यों पूरा क्यों नहीं देता सरकार? तो पूरा देती है। देता नहीं है, किसी को देता पूरा, किसी को पूरा नहीं देता है। तो कैसे गुजारा चलता है आपको फिर? धमका चलना गुजारे धमकाता है तो लेना लेना मत ले। अच्छा, पिछले महीने मिला आपको पूरा? ना मिला। कितने महीने से नहीं मिल पा रहा है? मेरा नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, किस डिपो पर आते हो अनाज लेने? राम डिपो पर। राम डिपो पर। गेहूँ ठीक समय पे मिलता है? पूरा मिलता है? पूरा समय में मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता? पूरा मिलता है गेहूँ? नहीं मिलता। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर। कितना मिलता है फिर 5 मेंबरों का? 40 किलो। 40 किलो मिलता है 5 मेंबरों का? क्यों पूरा क्यों नहीं देता सरकार? तो पूरा देती है। देता नहीं है, किसी को नहीं देता पूरा, किसी को पूरा नहीं देता है। तो कैसे गुजारा चलता है आपको फिर? बस ऐसे धमका चलना गुजारे चलना। 17 तारीख को हमारे हस्बैंड जी अंगूठा लगा के गए थे, बोले कि आके 20-22 में ले जाना। हम 20-22 में आए, बोले 25-26 में आना, 25-26 को आए, करें 2 तारीख को मिलेगा। तो क्या वजह है गेहूँ आपको नहीं मिल पा रहा? अंगूठा आपसे लगा लिए? हाँ, अंगूठा लगा लिए। गेहूँ नहीं दिया? गेहूँ नहीं दिया। नहीं दिया। इस नाम से डिपो है, कौन सी कॉलोनी का डिपो है? ये राम है भैया, ये श्याम कॉलोनी है, ये राम डिपो। राम के नाम से डिपो है? इस मामले में जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मीडिया द्वारा जानकारी मिलने के बाद जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वो इंस्पेक्टर से या इंस्पेक्टर जो भी इंक्वायरी कराएंगे, जो भी इसमें गलती पाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई है। कौन है सर इंस्पेक्टर? कौन है इंस्पेक्टर? फील्ड जैन है। टीम लगातार जांच कर रही है, अगर यहाँ भी शिकायत आती है वहाँ भी कार्रवाई की जाती है। अब आपको वीडियो में दिखा दिए हैं बकायदा लोगों के, अब क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे रिपोर्ट? इसकी इंक्वायरी की जाएगी, इंचार्ज जो भेजा जाएगा इंस्पेक्टर, उसके द्वारा इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी और जाकर इसकी गलती पाई जाएगी, उसके खिलाफ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी, जो विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कितने दिन लगेंगे इस कार्रवाई में, कब तक होगी ये? अभी हम इसको देखिए, अभी करा देंगे। जो गौर हो कि मामले में लोगों का आरोप ये भी है कि डिपो होल्डर राशन देने से पहले लोगों का अंगूठा लगवा लेता है और फिर 2-2 महीने राशन नहीं देता, जिसकी शिकायत लोग कई बार अधिकारी से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई न होने के चलते लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। बहरहाल मामले में संबंधित अधिकारी के संज्ञान लेने के बाद मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मामले में जांच के बाद और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।